विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाए जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मछोदरी पार्क कैंप लगाया गया। कार्यक्रम में शामिल विधायक नीलकंठ तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इससे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से आरंभ की गई प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए विधायक नीलकंठ तिवारी ने मौजूद सभी अतिथियों और हितग्राहियों को शपथ दिलाई। साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता को मिले, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेकों पात्रों से हितग्राहियों को अपने सपनों का घर मिला है। आयुष्मान कार्ड से गरीब बीमार व्यक्ति का निःशुल्क इलाज हो रहा है। सरकार की सभी कल्याणकारी योजना का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। वहीं मुख्य रूप से शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, उप सभापति सुरेश चौरसिया, पार्षद अभिजीत भारद्वाज, बबलू शाह, अजय वर्मा, मुन्ना राजेश इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री आवास, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क राशन की व्यवस्था और भी अनेक योजनाओं का उन्होंने जनता के बीच में लिया करके जनता के जीवन को आगे बढ़ाने, उत्थान करने का संकल्प लेके काम किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो हुआ है, यह हम लोग देखते भी हैं। और जिनको लाभ मिला है वो अपनी जीवन में क्या उनके स्तर में उत्थान हुआ वो बताते भी हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को अभी किसी कारणवश यह सुविधाएं नहीं मिल पाई, गैस नहीं मिल पाया, राशन कार्ड नहीं बन पाया, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, या और भी जो उनके किसी और भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को मौके पर जाके, उनके दरवाजे पर जाके, उनके क्षेत्र में जा करके कैंप लगा करके लाभ दिया जा सके, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह योजना लॉन्च की, विकसित भारत संकल्प यात्रा। यह जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो वैन आती है, यह हर वार्ड में जा रही है, गाँव में, हर गाँव में जा रही है, और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के सुविधा को चिन्हित करके उनको सुविधा की व्यवस्थाएँ कर रही है।